Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow With Me. तो आज मुझे आप लोगों के साथ में अपनी एक और सक्सेस स्टोरी का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करना है. दैट इज़ ऑफ सेंट जेवियर स्कूल. सेंट जेवियर स्कूल नाम तो ज़रूर सुना होगा आप सभी ने, बिकॉज इस स्कूल की जो इट इज़ वन ऑफ द टॉप स्कूल ऑफ इंडिया और इसकी जो ब्रांचेज है आपकी पूरी ऑल ओवर इंडिया है. तो एक्चुअली इट इज़ माई ड्रीम स्कूल. मुझे यहाँ पे जॉब करने का बहुत मन था, क्योंकि मुझे था कि यहाँ पे एक तो ग्रेड पे है, टीचर्स के लिए कोई स्टे बैक नहीं है और जो भी फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट में मिलती है वो हमें सेंट जेवियर्स में भी मिलती है और यहाँ पे 2 ईयर्स के बाद टीचर्स को परमानेंट भी कर देते हैं. एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अप्लाई फॉर सेंट जेवियर स्कूल, आप लोग उसकी ईमेल आईडी जो होगी जहाँ पे भी आपका नियरेस्ट स्कूल है, जैसे मेरा आपका शाहबाद सेक्टर 17 रोहिणी वाला था, तो मैंने यहाँ पे अपना CV ड्रॉप कर दिया था उनके ईमेल आईडी पे. आप लोग भी कर सकते हैं, इनके पास जब भी वैकेंसी होती है दे विल कॉल यू इफ़ दे विल फाइंड यू सुटेबल फॉर द प्रेजेंट जॉब. अगर उनको लगेगा तो दे विल डेफिनेटली कॉल. तो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेंट जेवियर्स के लिए आप भी इंटरेस्टेड हैं. तो हुआ क्या, जब मैंने 2021 में व्हेन आई हैव ज्वाइन मदर डिवाइन स्कूल, तो हुआ क्या 4-5 डेज के बाद मेरे को कॉल आ गया सेंट जेवियर स्कूल से फॉर दी पोस्ट ऑफ TGT साइंस. इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया. अब ये मेरा ड्रीम स्कूल इसलिए भी है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ से पास आउट हैं सेक्टर 17 शाहबाद से, और वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाया करते थे इस स्कूल के बारे में. तो मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट भी जग गया था. मैं भी अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी कि देखो जिस स्कूल में आप पढ़ते थे ना, आज मैं उस स्कूल में टीचर हूँ, मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ. तो मैं गई इंटरव्यू के लिए. मैंने अपने स्कूल से शॉर्ट लीव ली किसी भी बहाने से और मैं इंटरव्यू के लिए गई. वहाँ इंटरव्यू में मैं 2-3 घंटे तक वेट करती रही. मुझे वहाँ पे 2 बजे बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो मैं वहाँ पे 2 बजे पहुँची, पर मेरा जो 3:30-4 बजे तक नंबर आया इंटरव्यू के लिए. तो मैंने इंटरव्यू दिया. वहाँ पे 2 फादर थे और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे. वहाँ पे प्रिंसिपल का सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पे फादर होते हैं एज अ प्रिंसिपल पोस्ट पे, और 2 फादर थे. 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मुझसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू साइंस. जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे एप्लीकेशन बेस्ड थे, मतलब हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने जिनके आंसर्स भी दिए. एक आंसर में मुझे डाउट था तो मैं गलत आंसर नहीं देना चाहती हूँ. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक टीचर गलत आंसर देता है तो बहुत रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है. तो अगर आप भी किसी आंसर में कन्फ्यूज़ हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ड्यूरिंग योर इंटरेक्शन, इट्स बेटर यू से कि आई डोंट रिमेंबर दिस टाइम आई डोंट रिमेंबर द आंसर. तो मैंने भी यही बोला कि मैम आई डोंट रिमेंबर दिस आंसर राइट नाउ, सो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है. तो बस मेरा इंटरव्यू हुआ. फादर जो थे मेरे आंसर्स उनके सारे स्माइल थोड़े से कर रहे थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे थे फेस से, वो स्माइल भी नहीं करते हैं, बट हल्की हल्की स्लाइट स्माइल आई उनके फेस में, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि शायद हो ही जाएगा मेरा यहाँ पे. तो बस उन लोगों ने मुझे भेज दिया. उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया फॉर द डेमो. वहाँ की कोऑर्डिनेटर का मुझे कॉल आया. बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कॉल पे मुझसे बात की और मुझे बोला कि आपको डेमो के लिए आना है कल. नेक्स्ट डे मुझे डेमो के लिए बुलाया गया और मुझे टॉपिक्स दे दिए. 2 टॉपिक्स उन लोगों ने मुझे दिए फॉर डेमो, ये आप उसमें से कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए. मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ प्रिपेयर. और उन लोगों ने मुझे अराउंड सुबह 10 बजे के करीब बुलाया था मॉर्निंग में. 10 बजे मैं चली गई थी वहाँ पे. अब हुआ क्या, 10 बजे तो मैं चली गई बट ऑलमोस्ट 1:30 हो गए थे इंटरव्यू होते होते, मतलब 1:30 तक मेरा कोई नंबर नहीं आया था और 3-4 कैंडिडेट्स और आ रखे थे. और वहाँ पे एक सेंट जेवियर्स की भी कैंडिडेट थी, उसको देख के थोड़ा सा मुझे लगा कि अरे ये तो यहीं से पास आउट है, इसका तो पक्का ही हो जाएगा. वो मैथमेटिक्स के लिए थी. तो मैंने कहा ठीक है जाती हूँ मैं सेंट इंटरव्यू के लिए. तो मेरा 1:30 के अराउंड नंबर आया. जब मेरा डेमो के लिए नंबर आया, वही 2 फादर बैठे थे और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, वो फाइल लेके बैठे हुए थे और 2-3 बच्चे थे वहाँ पे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी. 2-3 बच्चे जो थे वो टीचर्स के ही बच्चे थे, वहाँ की जो टीचर्स थी स्टाफ के बच्चे थे. तो मैंने वहाँ पे फ्रिक्शन पढ़ाया, मैंने फ्रिक्शन का टॉपिक चूज़ किया था. मैंने अच्छे से बोर्ड वगैरह जैसे हम करते हैं मैंने डेकोरेट किया, डेमो दिया, बच्चों से क्वेश्चनिंग करी पहले, तब उनसे मैंने अपना कंटेंट को शेयर किया. सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मेरी ऑब्जर्वेशन लिख रहे थे एंड देवर स्माइलिंग ऑल्सो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी. मेरी आवाज़ इतनी लाउड थी कि वो पूरी क्लास में गूंज रही थी. मैंने कहा कि नहीं, मैं ऑलरेडी वर्किंग हुई, डरने की क्या बात है, बी कॉन्फिडेंट. आपको हमेशा ये समझना है अपने डेमो देते टाइम, इंटरव्यू देते टाइम, कि आई एम द बेस्ट, मुझसे बेटर कोई है ही नहीं. जब आपके अंदर ये फीलिंग होगी तो आपका इंटरव्यू जो होगा, डेमो होगा, वो हमेशा अच्छा जाएगा.
जब हम दूसरे को देख के अपने आप के अंदर नर्वसनेस पैदा कर लेते हैं ना, तब हम लोग डर जाते हैं और अपने टैलेंट भी हमारा छुप जाता है। तो डोंट बी नर्वस, आप अपने आप में यूनिक हैं। सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है, आप में भी है, मुझ में भी है और सभी के अंदर होती है। तो आपको घबराना नहीं है किसी भी राउंड से। उसके बाद इमीडिएटली उन लोगों ने मुझे भेज दिया। हार्डली 10 मिनट का मेरा डेमो हुआ, 1:30 बजे शुरू हुआ, 1:40 पे ख़त्म हुआ और मैं डायरेक्ट अपने स्कूल चली गई, क्योंकि 3 बजे छुट्टी होती है, मैं 1 घंटे का गैप लेके आई थी। उसके बाद 2:30 बजे उनका, 2:15 बजे फिर से कॉल आ गया कि फादर आपसे मिलना चाहते हैं, कि आप आ सकते हैं अभी। मैंने कहा अभी, अब 2:15 बजे मैं स्कूल पहुंची हूँ, अब मैं क्या बोलूँ। अब बोल रही कि 15-20 मिनट्स में आ जाओ, वह हमारा स्कूल बंद हो जाता है। फिर मैंने वहाँ पे फिर क्या था, मैंने अर्जेंट बेसिस पे बहाना मारा और फिर मैं फटाफट से सेंट जेवियर स्कूल गई विद माय हस्बैंड। फादर तो नहीं, फादर अब वहीं पे उनका स्टाफ का क्वार्टर था, अपने स्टाफ क्वार्टर में चले गए थे फादर। बट उन्होंने वहाँ पे जो एडमिन डिपार्टमेंट था, जो सारी रिक्रूटमेंट को देखता था, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला, शिखा शर्मा यू आर सिलेक्टेड फॉर द राउंड, आपका डेमो क्लियर हो गया है, आपकी सैलरी इतनी होगी, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, 1 साल तक आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेंगे, 2 साल आप प्रोविजन पे आ जाएंगे और प्रोविजन पे आने के बाद आपका ग्रेड फुल होगा, जो भी आपका 70,000 है वो आपको फुल ग्रेड मिलेगा और 3 साल आप परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत करती हूँ, मैंने उनसे बोला कि सर 2 साल के बाद परमानेंट, मैंने कहा परमानेंट के बाद या 2 साल के बाद, इस बीच कुछ भी प्रॉब्लम हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इस बीच, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने सुना है बीच में टीचर्स को निकाल भी देते हैं इधर। उन्हें बोला हाँ, अगर आपकी कंप्लेंट्स आई, अगर फादर आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे, किसी पेरेंट ने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपको निकाल सकते हैं, अगर किसी आपके सीनियर ने आपकी कंप्लेन कर दी तभी भी आपको फायर कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला ऐसे तो कोई मेरी झूठी कंप्लेन कर देगा, इस बेसिस पे आप मुझे निकाल देंगे, क्या मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बोला दिया जाएगा, पर तभी भी यहाँ पे सीनियर्स की सुनते हैं। मैंने कहा तो फिर मैं किस गारंटी से यहाँ पे ज्वाइन करूं। और उन्होंने ये भी बोला साथ में कि अभी हमारा जो फादर है, ये वाली मैनेजमेंट है, हर 5 साल के बाद यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, अभी मैनेजमेंट ऐसी है, हो सकता है दूसरी मैनेजमेंट अच्छी आ जाए, हो सकता है अभी अच्छी है बाद में ख़राब आ जाए, 5 साल के बाद आपको तब कर दें। फिर मैंने कहा फिर यहाँ पे परमानेंट जॉब का फ़ायदा क्या हुआ, अगर यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, सैटरडेज़ आप वर्किंग, आपको एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना है कि आपको हर एक कोई हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक्चुअली जो वो पर्सन था, वो मेरे जो हस्बैंड, क्योंकि साथ गए थे, मेरे हस्बैंड भी पास आउट हैं सेंट जेवियर से, और जो पर्सन था एडमिट में वो राजनिवास वाले सेंट जेवियर से पास आउट था। इन लोगों ने आपस में डिस्कशन करी, फिर उसने थोड़ी सी अंदर की बातें हमें बताई कि सर ऐसे ऐसे होता है, आपकी वाइफ तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एक्सपीरियंस है, अगर आप अपने प्रेजेंट स्कूल में स्टेबल हैं, अगर प्रेजेंट स्कूल में आप स्टेबल हैं तो आप फिर मत छोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है इतने सारे आपकी वाइफ ने क्वेश्चंस भी कर लिए, तो अगर वहाँ पे कंफर्टेबल है तो मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट अब चेंज हो गया है। हमारे टाइम में, मतलब जो मेरे हस्बैंड के टाइम में और उस पर्सन के टाइम में जो मैनेजमेंट होता था, तब वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, पर अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। उसने हमें अच्छा सजेशन दिया, गुड सजेशन दिया एज अ फ्रेंड। तो हम लोगों ने फिर क्या कर दिया, मैंने मना कर दिया। उसने बोला एक बार और पूछो, मैंने कहा नहीं, आप फादर को बोलना थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्टिंग मी, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में और जिसमें जॉब की गारंटी नहीं है, मैं जॉब नहीं करूँगी, आई एम कम्फर्टेबल इन माई ओन स्कूल ओनली। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जैसे मैंने कैसे अपना करियर सेट किया, और राइट नाउ आई एम स्टेबल एट माई ओन प्लेस एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ सजेशन रिलेटेड टू योर करियर, टीचिंग करियर, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे।